हेलो पिलामाने, ये होची मोर यूट्यूब चैनल है जो ओडिया लाइव जेके सी क्रिएशन के को तमन को पुनी थरे स्वागत। देखो पिलामाने, आमे आज जानिबा सप्तम श्रेणी भूगोल बहिर प्रथम अध्याय रे आमे देखिबा आम परिवेश बुझला कि नै, भौतिक परिवेश कोण आ मानव परिवेश कोण, मानवीय परिवेश कोण आउर कोण, आमे देखिबा परिसंस्था कोण, सेगुडी को विषय रे टेक्निक करी आमे ए भाग रे देखिनेबा। जदि मोर यूट्यूब चैनल टी तमन को भल लागुची ताहले लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करी घंटी बटन को दबा पई जम्मार भूलिबे नै। खपिलाने वर्तमान आमे देखिबा सप्तम श्रेणी भूगोल बहिर प्रथम अध्याय आम परिवेश विषय रे बुझला कि नै, प्रथम पाठ होला आमर परिवेश विषय रे हला कि नै। देखो कौन हला ना रजत कौन हला भुवनेश्वर रे तार मामू घरे रहिकरी पाठ पढ़ुथाए। खरा छुट्टी सरला, सांग मानक सहित रजत सहल स्कूल रे पहुंचिला, कारण से माने स्कूल पछपट खेल पड़िया रे किसी समय खेलुथिले बुझला कि नै। किंतु तांकर प्रिय खेल पड़ियाटी पूर्व भलिया आउ रही नथिला, सेठारे खोला होई किछि निर्माण कार्य चलिथाए। लोक को पचारि जानिला जे सेठारे एक बहु महला विशिष्ट गोटे घर तैयारी हबो, सेथिरे अनेक परिवार लोक सब रहिबे। रजत्र मन बहुत दुख हला, ता खेल पड़ियार कोमल सबुज घास चतुर्पाश्वरे थिबा विभिन्न रंग बेरंगर फूल और प्रजातिर कौन प्रजापति आदि सबुदिन पई निश्चिन्न हेइ गला। रजत तार सांग मानक सह ए विषय रे कथा हला, आ से दिन श्रेणी गृह रे शिक्षक मध्य कहिले देखो पिला माने हमरो परिवेश किपरि दिन को दिन बदलिबारे लागिछि बुझला कि नै। सार परिवेश कौन बोली रजत पचारला, तुम सार उत्तर कहिले जे तुम चारिपाखरे जहाँ रही तुम परिवेश बोली कहिले। रजत शिक्षक को कहिला तेबे आम स्कूल कोठा श्रेणी गृह रे थिबा टेबुल चेयर खोला पड़िया रास्ता अलिया आवर्जना मोर श्रेणी पिला ए समस्ते कौन आम परिवेश गोटे गोटे अंग से पचारला। शिक्षक हाँ भरिले, पुणी बुझाई कहिले जे देख एथिरु केतेक प्रकृति द्वारा सृष्टि होइछि, जथा पर्वत झरणा वृक्षलता जीवजंतु हला कि नै, नदी हला कि नै, ए सबु जाग बा समुद्र ए सबु जाग आमर प्रकृति रु तयारी होइछि, भगवान को द्वारा सृष्टि होइछि। अन्य गुडिक किछि किछि अछि जोटा कि रास्ताघाट कार ड्रेस बही चक डस्टर हला पेन पेंसिल ए सबु जाग मनीषकृत बा मानव कृत बोली आमे कहिबा। तुमने वर्तमान बसी कोगुड़ी प्रकृति सृष्टि होती आगुड़ी मनुष्य द्वारा सृष्टि गोटे उदाहरण दब। प्रकृति कोटा कोटा कहला, प्रकृति कहला कोटा कोटा माटी पानी पवन बुझला कि नहीं, समुद्र झरणा कौन नदी पोखरी ए सब पोखरी तो हेनी पोखरीटा मनुष्य द्वारा होगा कि नहीं। गोटा है प्रकृति आउ कृत्रिम उपाय कहले आम साधारण भाव में चक डस्टर टेबुल चेयर जोटा कि मनुष्य या फ्रिज टीवी है कूलर गुड़ा सब मनुष्यकृत गुड़ा है कृत्रिम है कि नहीं। परमजीति एक कथा शुणी प्रश्न कला जे सार आम परिवेश काहीकि बदलुची, सार बदलवार कारण कौन, यह केवल आमर आवश्यकता पूरण पई बदलुची बोली शिक्षक उत्तर रे कहिले। आमर आवश्यकता दिनकु दिन बढ़ी चलीछि, तेणु परिवेश को मध्य बदलवाकु पड़ुची बुझला कि नै। परिवेश बदलवार मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि बुझि पारल। तापर देख परिवेश ही जीवनधारण निमन्ते मौलिक आधार जोगै थाए बोली कहिले। आम श्वासक्रिया पई पवन पीवा पानी पीवाई पानी खाइबा पई खाद्य एवं घर रही घर भूमि हला ए सबू आम परिवेश ही ग्रहण करें। मनुष्य परिवेश रे परिवर्तन आनी थाए किपरि बोली प्रश्न आसला। देख मोटर गाड़ी निर्गत होता धूआं बायु दूषित करे, माठिया रे जल संग्रह कराए, पात्र रे खाद्य परिवेषण हुए एवं कलकारखाना बसैबा भूमिर आवश्यकता पड़ी थाए बुझिपार। मनुष्य कार तैयारी करे, बड़ बड़ कलकारखाना द्वारा आवश्यक जिनिष सब तैयारी करे, जिनिष को धरी रखापी विभिन्न पात्र प्रस्तुत करे। एहिपरी मनुष्य परिवेश रे परिवर्तन आस्ते आस्ते आनी थाए बुझिपार। देख तापर टिके छोट करद देख परिवेशर विभिन्न उपादान, परिवेशर विभिन्न उपादान देख। परिवेश को आम प्राकृतिक मनुष्यकृत आउ मनुष्य बोली आम कह। देख आमे जदि प्राकृतिक कथा कहिबा प्राकृतिक रे आमर आसिबो भगवान को द्वारा कोडा कोडा तयारी जैवमंडल संरक्षित स्थान तयारी जैवमंडल, तापर अश्ममंडल तयारी, तापर वायुमंडल तयारी, तापर बारिमंडल तयारी। ए जो चारटा मंडल विषय आमे देखिबा बुझला कि नै, पर इयारे देखिबा हला कि नै। परिवेश एटा हला प्राकृति रे प्राकृतिक हला कि नै, भगवान को द्वारा तयारी। तापर परिवेशर उपादान भितर आसिबो मनुष्यकृत, मनुष्यकृत रे कोन आसिबो मनुष्य तयारी करियार अट्टालिका तयारी करछि, बड़ बड़ बिल्डिंग तयारी करछि, तापर पार्क तयारी करछि, एंटरटेनमेंट पई आमर सिनेमा हॉल तयारी करछि, पोल तैयारी कर बुझे कि नहीं, रास्ता तैयारी करला पोखरी तैयारी कर शिल्प कलकारखाना तैयारी कर बुझे कि नहीं, आहरी विभिन्न प्रकार कीर्ति तैयारी करूँ बुझिपार। देख पर देख मनुष्य, मनुष्य कौन है कि नहीं, मनुष्य कौन देख
मनुष्य कहले आम व्यक्ति विशेष को बुझा मनुष्य कहले क्या बुझा व्यक्ति विशेष को बुझा तापर जदि गोटे लोक बुझे पर बुझे बुझला कि नहीं व्यक्ति विशेष को लेकिन आम कौन हो स्वामी स्त्री है कि नहीं पा को लेकिन पर गठन है बुझला कि नहीं छोट पर बड़ पर यापर से जो पर कतटा को लेकिन आम संघ या बुझला कि नहीं पर भलमंद बुझापी से गोटे यूनियन तैयारी कले जोटा संघ बोली आम कह बुझला कि नहीं मिलमिशिक गाँ गंडार सब हिसाब निकाश समाधान असुविधा सुविधा से संघ तैयारी कले बुझला कि नहीं तापरे संघीय संस्था मिसिकी कौन कले धर्म अनुष्ठान तैयारी कले जमी देखु ये चित्र अच्छी चार्टा अच्छी आम धर्म कौन अच्छी आम ख्रीटियान धर्म अच्छी है मुसलिम मान धर्म अच्छी बुझला कि नहीं है ख्रीटियान मान कौन चर्च मुसलमान मान कौन मस्जिद है कि नहीं तापरे शिख मान गुरुद्वार आउ हिंदू मान मंदिर है विभिन्न प्रकार धर्म अनुष्ठान सब या बुझला कि नहीं आसला शिक्षा कथा देखा शिक्षा शिक्षा मान आमर परेश लोक मैंने उन्नति करने कि ज्ञान आहरण करने शिक्षानुष्ठान गुड़िकला से शिक्षक निजुक्ति हेले पाने प्रतिदिन स्कूल को गले है कि नहीं शिक्षा अर्जन करने आसला अर्थनीति अर्थनीति मान विभिन्न प्रकार आर्थिक उपार्जन करवा दरकार कि नहीं पा मैंने लोकसंख्या बढ़ला मैंने से खाद्य पानी है विभिन्न प्रकार जीविका सबू अर्जन करी कौन कराला अर्थनीति आदाय कराला पैसा टाँग आदाय कराला टाँग अर्जिले तो घर पशुरे बुझला कि नहीं तो अर्थनीति उन्नति आणाला बुझला कि नहीं तापर आसला राजनैतिक परिस्थिति तो ये सब जो संस्था गुड़िक अच्छी कृषि हो कि आमर शक्ति हो कि पानी जल कथा हो सब जगह गोटे गोटे मंत्री रही तो राजनैतिक परिस्थिति सृष्टि कराला बुझला कि नहीं देश राज्य आउ जिला हला जिला तापर पंचायत तापर ब्लॉक ए सब संभाली किसी राजनैतिक नेता को रखाला कारण से समस्ते तो मिसिकी एक तो बुझेबन तेणुक जन को दायित्व दिहला तो से राजनैतिक परिस्थिति बुझला कि नहीं तापर आसला राजनैतिक परिस्थिति तापर आहरी मनुष्य कौन कौन अच्छी विभिन्न प्रकार कॉलेज हला स्कूल कॉलेज कला है कि नहीं शिक्षानुष्ठान तैयारी कला तापर रास्ता घाट परिवहन पई तैयारी कला बुझला कि नहीं रास्ता घाट मध्य तैयारी करछि हला रास्ता घाट तैयारी कला है कि नहीं ए सब हला परिवेशर गोटे गोटे अंग बा उपादान है कि नहीं तापर देख तापर आम देखिबा भौतिक परिवेश कौन कौन देखिबा भौतिक परिवेश कौन भौतिक परिवेशन कहिले आम पृथ्वीर जल स्थल वायु देख टे बड़ करदे हला पृथ्वीर जल स्थल वायु को नहीं आमर भौतिक परिवेश गठन होती बुझला कि नहीं जल स्थल वायु ए सबू को लेकिन आमर कौन है भौतिक परिवेशर सृष्टि होती तुम्हें आगू देख अश्ममंडल बुझला कि आगु टिके टिके देखी कौटा ना अश्ममंडल विषय जाच वायुमंडल बारिमंडल जैवमंडल सब टिके 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 धारणा तुम अच्छी बुझला कि नहीं बर्तमान आम से मंडल विषय में आउ टे अधिक जाणी पृथ्वीर कठिन भूतक बा शक्त उपरी भाग को आम अश्ममंडल बोली कहवा बुझला कि नहीं पृथ्वीर जो पूरा उपर भागटा अच्छी शक्त होटा को आम कह अश्ममंडल बोली विभिन्न खनिज द्रव्य और शिणारे गठित होपरी भाग में मृत्तिकार एक पतला आवरण अच्छी बुझला कि नहीं तार उपर भागटे जो कठिन आवरण अच्छी तापर गोटे पतला आवरण अच्छी जोटा को आम मटी कह पृथ्वीर उपरी भाग प्राय सबुआ सामान नुहे असमान थाए पर्वत मालभूमि समतल भूमि उपत्यका आदि भूमि रूप जोगु ही भूपृष्ठ असमान देखा जाऊँ कोठे मालभूमि तो कोठे पर्वत कोठे गड़ाणिया है कि नहीं कोठे समतल भूमि बुझला कि नहीं कोठे खालुआ जमी एमती जो आम सबुआ असमान देखा जाऊँ भूमि रूप उभय स्थलभाग और समुद्र शज्जे रही बुझला कि नहीं ये भूमि रूपटा समुद्र भितर द्वीप आकार बुझला कि नहीं आउ किसी किसी अच्छी बाहर बुझला कि नहीं तो देख तापर देख तापर देखा देखु वायुमंडल एटा एटा वायुमंडल पवन खाली है कि नहीं विभिन्न प्रकार गैस पदार्थ थी वायुमंडल है कि नहीं जैवमंडल जीवजंतु मैंने बसवास करके रे बारी बारी अर्थ कौन बारिमंडल अर्थ पा बुझला कि नहीं पानीर पा सब पा भितर के जान मत्स्य जीव पा जलचर जीव मैंने रोचान से विषय बुझला कि नहीं तापर आसला अश्ममंडल अश्ममंडल बोले कौटा आमर जीवजंतु मैंने किपर कौन रोचान अश्ममंडल भितर केमी रोचान से विषय आम भल भाव टिकनिक कर देखा है देख तुम्हें चतुर्पाश को नहीं निरीक्षण कले आम देखा भूमि को कि कार्य आम विनियोग कर देख मटी को आम कौ कार्य चाष कार्य व्यवहार कले है विभिन्न प्रकार मटीरू या कंडे सब या कले बुझला कि नहीं मटी को घर या व्यवहार कले है कि नहीं मटी को आहरी कौन कले हांडी मठिया गढ़ तैयारी कले बुझला कि नहीं व्यवहार कले तुम्हें घरे स्कूल व्यवहार करुवा जल कौटू आस पाने जल कौटू आटी तलू आस कौन नलकूपुर है कि नहीं दैनदिन जीवन में जलर विभिन्न व्यवहार संबंध में आम गोटे आलोचना करवा देख एटा तुम्हें निजे कर पाने देख तापर आसला देख अश्ममंडल कौन कौन ना अश्ममंडल परिसर रू
ଆମେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ କଥା କୁହ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ନା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିବ, ଚାରଣ ଭୂମିର ଭୂମିରୁ ଘାସ ମିଳିବ, କୃଷି ପାଇଁ ଭୂମି ମିଳିବ, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଏଇ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଓ ଜନବସତି ପାଇଁ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳର କାମ ହେଲା କ'ଣ? ଦେଖ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଆମ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ହିଁ ଗଠିତ ହୋଇଛି। କେଉଁଟା କେଉଁଟା? ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିବ ଆମକୁ, ଚାରଣ ଭୂମି ପାଇଁ ଘାସ, ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାସ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜମି ଦରକାର, ଜମି ମିଳିବ, ଆଉ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଜନବସତି ପାଇଁ ଜାଗା ଦରକାର। ଏଥିରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳରାଶିକୁ ଆମେ ବାରିମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିବା। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କଥା ତ ଦେଖିଲ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲା? ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆସିଲା, ଆଉ ଆମର ଭୂମି ଆସିଲା, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭୂମି ଆସିଲା, ହଁ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଦରକାର ହେଲା, ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ ଘାସ ଚରିବା ପାଇଁ ଚାରଣ ଭୂମିର ଦରକାର ହେଲା। ଏସବୁ ଯାହା ଆମେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳରୁ ପାଇଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ବାରିମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳକୁ ଆମେ କହିବା ବାରି ଅର୍ଥ ଜଳ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଜଳମଣ୍ଡଳ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳରାଶିକୁ ଆମେ ବାରିମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିବା, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଏହା ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳରାଶି ଯଥା ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ମହାସାଗର ଆଦିକୁ ନେଇକି ଆମର, ହେଲା କି ନାହିଁ, ଝରଣା, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆମର ଜଳରାଶିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଆମର ବାରିମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ପୃଥିବୀକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରି ରହିଥିବା ଯେଉଁ ପତଳା ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣକୁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ, ବାରିମଣ୍ଡଳ କଥା ତ ଗଲା, ପାଣିମଣ୍ଡଳ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଜଳମଣ୍ଡଳ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ପୃଥିବୀକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଘେରି ରହିଥିବା ପତଳ ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣଟାକୁ ଆମେ କହିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବୋଲିକି। ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହା ପୃଥିବୀକୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ କ୍ଷତିକାରକ ରଶ୍ମି ତଥା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପକୁ ଉତ୍ତାପରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍, ଧୂଳିକଣା ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପକୁ ନେଇକରି ଆମର ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେବଳ କ'ଣ ଆମର ଧୂଳିକଣା, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଉଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଏସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଆମକୁ ମିଳିବ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟା ଗଠିତ ହୋଇଛି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତୁମେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, 78% ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? 21% ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି 0.03%, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ହେଲା 0.003%, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ କେତେ ଥିବ? 78 ମିଶାଇ ଦିଅ, 78, ହେଲା କି ନାହିଁ? 21, ହେଲା କେତେ ହେଲା? 8, 1, 9, 7, 2, 9, 99% ହେଲା, ଆଉ 1%, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ 1% ହେଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍, ତା ଭିତରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ହେଉଛି 0.003%, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ହେଲା, ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମର ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ତାପରେ ଆସିଲା କି ମଣ୍ଡଳ? ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଗଲା, ବାରିମଣ୍ଡଳ ଗଲା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ରହିବ ନା? ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଅଣୁଜୀବମାନେ ରହିବେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏହା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ବାରିମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ତଥା ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଥିବା ପତଳା ସ୍ତରକୁ ବୁଝାଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଜୈବମଣ୍ଡଳ ବୋଲିକି ବୁଝାଉଛି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠ ଗୋଟେ ପତଳା ସ୍ତର ଯେଉଁଠିକି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବସବାସ କରିକି, ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଅଣୁଜୀବମାନେ ବସବାସ କରିକି ରହନ୍ତି। ଦେଖିଥିବ, ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆକାଶକୁ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଦେଖିବା ଦିନଟି ମେଘୁଆ ଅଛି ନା ବର୍ଷା ହୋଇଛି ନା ଖରାଟିଆ ନା କୁହୁଡ଼ିଆ ହୋଇଛି, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଏସବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହଟି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଆକାଶଟାକୁ ନେଇକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଯେ ଆମର କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ ଅଛି ନା ବର୍ଷା ପାଗ ଅଛି ନା ଖରା ପାଗ ଅଛି ନା ଶୀତୁଆ ଶୀତୁଆ ଲାଗୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ପରିସଂସ୍ଥା, କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା? ପରିସଂସ୍ଥା ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ପରିସଂସ୍ଥା କହିଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ପରିସଂସ୍ଥା କହିଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପରିବେଶରେ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ତଥା ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତଃସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଆମେ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ଗଢ଼ି ଉଠିବା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ପରିସଂସ୍ଥା କହିଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା'ର ପରିବେଶ, ଏସବୁ ଯାକୁ ନେଇକରି ଆମର ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠିତ ହୋଇଛି। କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ପରିସଂସ୍ଥା କ'ଣ? ଥରେ ରଜନ୍ତଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହେଲା। ସେଥିରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ କଲେ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଜେସି କେରଳର ଝିଅ ଥିଲା, ଜେସି କୋଉଟର ଝିଅ ଥିଲା? କେରଳର। ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇ କହିଲା। ସେଠାକାର ଚିର ସବୁଜ ଭୂମି ଓ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନଡ଼ିଆ ବଗିଚା ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟସାଲମେରୁରୁ ଆସିଥିବା ହୀରା କହିଲା ଯେ ଆମେ ଆଦୌ ବର୍ଷା ପାଉନଥାଉ, ଆମର ସେଠି ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ। ଜଣେ କହିଲା ଆମର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ଆମର ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ। ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ବାଲି ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟାବୁଦା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମ ଆଖି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ ଏହା ହିଁ ଦେଖିପାରିବ, ମାନେ ବାଲି ହିଁ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିପାରିବ, କାରଣ ମରୁଭୂମି ସେଠି ପାଣି ହେଉନି, ହେଲା କି ନାହିଁ?
तुम अंचल किंतु ओटो देखा मिलती रजत मझे कही पकेला बुझला कि रजत कह लगेगा तुम अंचल तो ओटो देखा जाए ना कि बेसी ओटो देखा जाए ना कि राजस्थान में बोल कहला खाली ओटो नुहे आम मरुभूमि साप विभिन्न सरीसृप अन्न्य कीटपतंग देखा पाइब किए कहला किए कहला पे बुझल देख किए कहला जय सालमेरु किए हीरा हीरा आसला जयसलमेर किए हीरा आसला हीरा कहला ना ना खाली आम ओटो ना साप देखा जाऊ बुझला कि नहीं आहरी कौन विभिन्न प्रकार सरीसृप देखा जाऊ कीटपतंग देखा जाऊ बुझला कि नहीं बोल कहला है देख गोटे कम दे पा देख एनसीसी शिविर पाला पी तुम स्कूल कि तुम्हें रोकवा स्थान में रेखांकित प्रस्तुत कर यहाँ तुम निजे कर पे एनसीसी है कि नहीं शिविर पाला कि रोचे है कि नहीं कर देख एट परेश देखु है जीवजंतु मैंने रोचान है कि नहीं पाने रे कौन जलचर जीव आउ स्थल भागे रे स्थलचर जीव बुझला कि नहीं जी उभय दुटा जगह रोचे से मूँ कहब उभयचर प्राणी जीव है कि नहीं देख देखिथ प्रतिवर्ष जून मस पाँच तारिखर आम कौन कर विश्व परिवेश दिवस पालन करा मन रख पे विश्व परिवेश दिवस केवे पालन करा जून पाँच है प्रति वर्षर जो जून पाँच तारिखटा को आम विश्व परिवेश दिवस रूप पालन कर आसुअु बुझला कि नहीं देख रजत आश्चर्य आश्चर्य हो भाला अंचल अंचल को वृक्षलता प्राणी और लोकंर चालचलन पार्थक्य रोचे कहीं जो पार्थक्य रोचे कौटे पा मिलूनी तो कौटे बेसी पा मिलू जो पार्थक्य रहीबार कारण कौन बोली से जानवाक चेषा कला एगुड़िक कौन परस्पर संबंधित अच्छा बोली रजत जानवाक कहला रजत शिक्षक को ए संबंध में पचारा रजत पचारा जार जो पापाग इटी गोटे थी सीठ गोटे थाबार कारण कौन सार बोली जानवाक चेषा कला शिक्षक उत्तर में कहले हाँ आंचलिक परेश सहित कौन है वृक्षलता प्राणी और लोकंर चालचलन रथेष संपर्क रही अच्छी बुझला कि नहीं प्रकृत में समस्त वृक्षलता प्राणी और मनुष्य बंची रहापी परेश निर्भर कर चल था देख अनेक कौन है अनेक समय एमाने कौन करती ना परस्पर उपरे मध्य निर्भर करके चली था प्राणी ओ उद्भिद ओ मनुष्य परस्पर सहित तथा सेमानकर परिवेश सहित गढ़ी उठी जो निबिड़ संपर्क तथा निर्भरशीलता को ही आम परिसंस्था बोली बुझा कि नहीं जो मनीष उद्भिद प्राणी ए मान भर गोटे संपर्क अच्छी कि नहीं संपर्कटा को लेकर ही आम परिसंस्था गठित होती सुतरा एक विस्तृत चिरहरित अरण्य चारणभूमि मरुभूमि पर्वत ह्रद नदी महासागर एवं एपरिक एक क्षुद्र पुष्करिणी में आम परिसत्ता गुड़ी गढ़ी उठी थाए कहले तुम घर पाख खेल पड़िया पार्क में अनेक एक परिसंस्था गढ़ी उठी कि सी पचारे किए शिक्षक पचारे तुम परिसंस्था कौन रे पाने जो रोचे गोटे परिसंस्था कि ना तो से पिला कहला उत्तर कौन हाँ सर आम से गोटे परिसंस्था अच्छी जोटा कि आम सब जीवजंतु मैंने रोचे प्लस आम रहीकि चलुचु बुझला कि नहीं देख द्रव्य विनिमय व्यवस्था टंकार व्यवहार बिना होता जो बेपार को द्रव्य विनिमय व्यवस्था बोली आम कह बुझला कि नहीं टा देकर आम जिनस किणुचे कि नहीं जड़े चाषी कौन कर धान गहम मांडिया सब या पर सब कौन कर आदाय करके कौन कर मार्केट नहीं बिकुची है सी आमको कौन ता बदलने कौन पैसा आमठू नहीं घर चलाऊँच सी अगर जिनस आमठू किणु बुझला कि नहीं है देख अनेक समय एमाने परस्पर उपर निर्भर करथांती बुझला कि नहीं है ए विषय देख ला देख मानवीय परिवेश कौन देखा मानवीय परिवेश कहले कौन आम साधारण भाव में बुझा मनुष्य तार आवश्यकता मेटाइबापी प्राकृतिक परिवेश निर्भर साधारण भाव करें फल परेश विभिन्न प्रकार पर सब हुए आदिम मनीषर आवश्यकता खूब कम थी आग काल जो मनीष मैंने से आवश्यकता बहुत कम थी से प्रकृति सहित निजक खाप खुए चल पार से आवश्यक पदार्थ मान सीधा सड़क तार चतुर्पार्श्वर संग्रह कर पार्ला समयानुक्रमे मनीष आवश्यकता क्रमशः वृद्धि पाइबार लगला से परेश व्यवहार उपयोगी तथा परिवर्तित करार नुआ उपाय मान सब सृष्टि कला बाहर कला से कृषि करने जाणला कृषिकार्य जाणला विभिन्न पशुपक्षी को घरे रखिकी पालबार जाणला और स्थानीय भाव बसवास कर गोटे जगह रहा आगुरी कौन थी ना से जाजावर जीवन जापन करुले बुझला कि नहीं ये सरीगले खाद्य सेठी पड़ूते गोटे जगह रहीकि कन्स्टाटली चाष कर शिखि नथिले क्रमे गाड़ी चक उद्भावन कले बुझला कि नहीं गाड़ी चक खाद्य पदार्थ बढ़ला बुझला कि नहीं द्रव्य विनिमय आरंभ होगा जो गोटे देकर आज गोटे जिनस किणवार जाणले और वाणिज्य कारबार वृद्धि पाला शिल्प विप्लव जो कौन है विभिन्न रकमर द्रव्य सब बहु परिमाण रे आदाय हैला परिवहन रो द्रुततर हैला बुझला कि नहीं परहनटा द्रुततर है जेहेतु जिनस मात्रा बढ़ला गोटे जगार अगर जगह को गाड़ी चक गाड़ी कौन चक गढ़ला अगर जगह कौन पाई गाड़ी अधिक उद्भावन कराला बुझला कि नहीं सूचना
ବିପ୍ଳବ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯୋଗାଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହଜ ଓ ସରଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, ମଣିଷର ଜୀବନଧାରା ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଖରାଦିନେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା, ତୁମକୁ ଦେଖିଥିବ ତରଭୁଜ ଏବଂ ଶୀତଦିନେ ଗରମ ଗରମ ମୁଢ଼ି ଓ ବାଦାମ ଭଜା ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ? ତୁମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ କି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମାନବୀୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁଷମ ସନ୍ତୁଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ସୁତରାଂ ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିବା ତଥା ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇବା ବେଳେ ମଣିଷ ବେଶ୍ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଯାହା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଟିକିଏ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ତୁମ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ତୁମେ କେତେଟା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର। ଦେଖ, ସେ କହିଛି କ'ଣ କରିବାକୁ ନା, ସେ ତୁମ ବୟସର ଥିବାବେଳେ ଆଖପାଖରେ ଦେଖୁଥିବା ବୃକ୍ଷଲତା। ଦେଖ, ଆଗକାଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହେଲା, ଆଗକାଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆଖପାଖରେ ବେଶୀ ଗଛ ଲତା ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇକରି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁକରି ତା'ର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଛ ସବୁ କଟା ଯାଇକିରି କ'ଣ ବାସସ୍ଥାନ ସବୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି, କଳକାରଖାନା ତିଆରି କରାହେଇଛି। ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ ଖେଳୁଥିବା ଖେଳ, ତାଙ୍କେ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଗ ବାଘ ଛେଳି ହେଲା କି ନାହିଁ, ତା'ପରେ କଉଡ଼ି ହେଲା, କାଚ କଉଡ଼ି, ଏଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଖେଳୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଖେଳାଯାଉ ନାହିଁ, ଏବେ ସବୁ କ'ଣ କ୍ୟାରମ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳୁଛ, ଚେସ୍ ଖେଳୁଛ, ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁଛ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହୋମ୍ ଖେଳ ହେଲା, ଘର ଖେଳ। ତୁମ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫଳ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ, ଆଗକାଳରେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ, କାଙ୍ଗୁ ହେଲା, ମକା, ବାଜରା ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଫୁଡ଼୍ ଖାଉଛ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଖରା ଓ ଶୀତ ଋତୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଖରା ଆଉ ଶୀତ ଋତୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କମ୍ବଳ, ଗୋଟେ ମୋଟା କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇକିରି ରହୁଥିଲେ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ସ୍ୱିଟର୍ର ଉଦ୍ଭାବନ ନଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ସ୍ୱିଟର୍ ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ, ହେଲା କି ନାହିଁ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡାରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟରେ। ତୁମେ ପାଇଥିବା ଉତ୍ତରରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ସେ, ହେଲା, ଛାଡ଼, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଚାଟ୍ କରିବାକୁ କହିଛି, ହେଲା, ଏଇଟା ତୁମେ କରିବ, ହେଲା, ନିଜେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପରିବେଶ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଟିକନିକ୍ କରିକି। ଯଦି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।